बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सीआईडी मीडिया नेटवर्क की जानिब से मैं हूँ शमाला सदफ। एडिशनल आईजी कराची सर जावेद आलम ओडो ने कराची पुलिस ऑफिस केपीओ में ऑनलाइन किंग्स फ्रांसिस और सिंध पुलिस के दरमियान बाहमी तआवुन के इजलास की सदारत की, जिसका अहतमाम मोहतरमा फौजिया तारिक ने किया। इजलास में साबिक आईजी सिंध सर नियाज अहमद सिद्दीकी, डीआईजी पी ट्रेनिंग सिंध, AIGP इन्वेस्टिगेशन KPO, AIGP फ्रांसिस CPO, तमाम SSP इन्वेस्टिगेशन कराची रेंज और DSP मलिक तारिक ट्रेनिंग CPO ने भी शिरकत की। एडिशनल IGP कराची सर जावेद आलम ओढ़ो ने शुरका को कराची में स्ट्रीट क्राइम्स और इसे रोकने के लिए उठाए गए इकदाम के बारे में आगाह किया। नेज बाहिम इश्तराक से इन्वेस्टिगेशन अफसरान की जदीद खतूत पर ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से तबादला ख्याल भी किया। साबिक आईजी सिंध सर नियाज अहमद सिद्दीकी ने होम साइट फ्रांसिस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पर मरहलावार तहकीकात पर ब्रीफिंग भी दी। उन्होंने FIR के इंदराज में मुख्तलिफ सेक्शंस के इस्तेमाल की अहमियत के बारे में भी आगाह किया। साबिक आईजी सिंध सर नियाज अहमद सिद्दीकी ने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, कानूनी तकाजों और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अहमियत पर भी रोशनी डाली। मोहतरमा फौजिया तारिक ने कत्ल की तहकीकात के बारे में ब्रीफिंग दी। मौत की तमाम इकसाम का अहाता करते हुए मौत की वजह और मुद्दत का तयन करने के फ्रांसिक तरीकों पर भी जोर दिया। आखिर में एडिशनल IG पी कराची सर जावेद आलम ओढ़ो ने इजलास के तमाम शुरका का शुक्रिया भी अदा किया और मस्बत सिफारिशात और तजावीज़ को आगे लाने के लिए हौसला अफजाई भी की।